डीजीआरएसआई आपने जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहा तो आपने कि जी मैं गैर सियासी हूं, ये कहा कि जी मैं तो कहा कि जी हम सियासत नहीं करते। सियासत वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस तो मैंने शेख रशीद को भी नहीं करता सुना। चीफ जस्टिस साहब, अमली तौर पर मैं मर चुका हूं। जब मैं बेलबास खान जब बेपर्दा हो जाए तो मर जाया करता है, लेकिन आज मैं इस जिस्म के साथ हुआ, इसलिए ये गैरत, ये रवायत ये हमें दिखाती है कि बहुत बड़ा गुनाह है। और मैं इसलिए भी जिंदा हूं और इंशाल्लाह ताला ये आवाज पूरी दुनिया के ईमानों तक खुदा जैन के साथ इसलिए जिंदा हूं कि मेरे और आपके दीन के अंदर खुदकशी ये हराम है, ताकि मेरे बैग के ऊपर पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत, जिसको पाकिस्तान के साई ने सबसे बड़ा इख्तियार दिया है। और मैं क्या मांग रहा हूं चीफ जस्टिस साहब, क्या के फजल से अपनी बहनों के साथ, अपने भाइयों के साथ, वकला के साथ, बाप नाना और दादे के साथ पहुंचाता रहूंगा। और आई अर्ज कर रहा हूं कि खुदारा 184C के तहत आज खुद नोटिस लें, FIS साइबर क्राइम को बुलाए और पूछे कि वो कौन लोग थे जिन्होंने मुझे बेलबास किया, जिन्होंने मेरी वीडियो बनाई, ताकि इंसाफ और अदल का जो निज़ाम जज साहिबान में। क्या मांग रहा हूँ मैं, सिर्फ जोली फैलाकर यहाँ पे एक साल की हैसियत से पूरा पाकिस्तान मीडिया के जरिए देख रहा हूँ।